सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक आसाराम को जोधपुर की कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप केस में दोषी ठहराया है और उम्र कैद की सजा सुनाई है। साल 2013 में आसाराम के खिलाफ यूपी के शाहजापुर की रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने रेप का सनसनीखेज आरोप लगाया था और इस मामले में आसाराम के साथ उसकी राजदार शिल्पी और शरद चंद्र भी दोषी ठहराए गए हैं, जबकि प्रमुख सेवादार शिवा और रसोईया प्रकाश को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस फैसले पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी। आसाराम के साधक राहत के लिए कल से ही प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन आसाराम की मुश्किलें कम नहीं हुई। तो आसाराम की जो मुश्किलें हैं वो यहां पर कम नहीं हुई हैं। जगह जगह यज्ञ भी कराए गए, उनके समर्थकों की तरफ से प्रार्थना याचनाएं तमाम चीजें की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो फैसला कोर्ट ने सुनाया है वो बाकी अन्य बाबाओं के लिए भी एक सबक के तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से दोषी करार दिया गया और उसके बाद आसाराम को उम्र कैद की सजा, बाकी अन्य आरोपियों को 20-22 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन तमाम उम्र कैद की सजा सुनाने के बावजूद भी इस तरह की जो सख्ती दिखाई जा रही है उसके बावजूद भी समाज में महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं बजाय रुकने के। सवाल यही है कि आखिर इतनी सख्ती के बावजूद भी जमीनी हकीकत पर जो ये सवाल है वो कहीं ना कहीं यहां पर बना हुआ है कि इतनी सख्ती के बावजूद भी जमीनी धरातल पर इसका असर क्यों नजर नहीं आ रहा है। आखिर क्या कारण है कि महिलाओं और बच्चों के प्रति इस तरह के जो अपराध हैं उनमें इजाफा हो रहा है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एपी सिंह जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और इसी बीच हमारे साथ श्वेता साहनी जो कि वेटलिफ्टर और साथ ही मॉडल भी हैं, तो इन्हीं से हम चर्चा करेंगे। और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से उम्र कैद की सजा सुनाई है, 5 साल के लंबे इंतजार के बाद इस तरह का फैसला जो सुनाया गया है स्वागत योग्य है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी सख्ती के बावजूद भी आखिर धरातल पर इस सख्ती का असर क्यों नजर नहीं आ रहा है। एपी सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी कि जिस तरह से यहां पर फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई, बाकी अन्य आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन बावजूद इसके जो धरातल पर अगर हम बात करें, इतनी सख्ती के बावजूद भी जो अपराध है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं बच्ची और महिलाओं के प्रति, क्या कहेंगे आप? ये आपने बहुत ही जेन्युइन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, सवाल है ये जी। सवाल आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल उत्तर भारत में बहुत अधिक देखा जाता है, उसके माध्यम से हर घर का सवाल है कि क्या ऐसी परिस्थितियां कानून सख्त से सख्त बन रहे हैं। दिसंबर 2012 के बाद कानून में और सख्ती आई, कानून पहले भी सख्त थे जी, उसके बाद विशेष सदन चला संसद का, लोकसभा राज्यसभा चली, कानून बने, उसके बाद फिर अभी और कानून बने, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का इंस्टीट्यूट किए गए, जल्दी चार्जशीट के लिए किया गया, डे टू डे हियरिंग सुनवाई की बातें की गई और अमल में लाई गई, स्पेशल सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी अपराध बढ़ते गए। इसका अर्थ हुआ ज्यों ज्यों इलाज किया बीमारी बढ़ती चली गई। इसके पीछे हमारी मानसिकता पे जाना पड़ेगा, हमारे परिवारों पे जाना पड़ेगा, हमारी शिक्षा में जाना पड़ेगा, हमारे संस्कारों पे जाना पड़ेगा कि हमारे देश के युवक, ये देखिए बच्चे से लेकर दोनों कंप्लेनेंट और एप्लीकेंट, चलिए आसाराम का मामला तो ज्यादा अलग है, लेकिन जनरली ये बात है कि जो रेप के मुलजिम हैं वो भी भारत के ही हैं, कहीं पाकिस्तान के तो नहीं आए, कहीं बाहर से तो नहीं आए, कहीं आतंकवादी तो नहीं, हमारे देश के युवक भी हैं, हमारे देश की बच्चियां और युवतियां भी हैं। तो ऐसी क्या हमारे समाज की परिस्थितियां आ रही हैं, क्या समाज में ऐसा हो रहा है, क्या हम नहीं दे पा रहे हैं, क्या हमारे माता पिता, क्या गार्जियन, क्या हमारे विद्यालय, क्या हमारे अध्यापक, क्या हमारे शिक्षा संस्थान, क्या हमारे न्यूज चैनल, क्या हमारे अखबार, क्या हमारे पत्र पत्रिकाएं क्या नहीं दे पा रहे हैं जो हम उनका सुधार नहीं कर पा रहे हैं, हमारी अदालतें क्या नहीं दे पा रही, पुलिस हमें क्या नहीं पा रही है, किस तरह की चीज नहीं दे पा रही जिसकी वजह से हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं, इस देश की आधी जनता, आधी आबादी, और कहा गया मां
बेटी बहन ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज परिवार के अंग होते हैं, इनके बिना समाज नहीं चल सकता, इनके बिना देश नहीं दुनिया नहीं चल सकती, तो ऐसे पर भी उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। सवाल ये है, एक तरफ तो हम अपनी बहनों को बेटियों को कन्या पूजन करते हैं, नवरात्रों में व्रत रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके बिना घर में गृह प्रवेश नहीं करते, उनके बिना कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, बहू की भी जब शादी होती तो उसकी आरती उतारना, पूजा, मतलब हमारे संस्कारों में महिला का सम्मान कूट कूट के भरा, क्योंकि हमारा इतिहास है, सीता, सावित्री, अनुसुईया, गार्गी, अपाला, ये सब ऐसे इतिहास की धरोहर हैं जिनकी शिक्षा हमें लेती है। सावित्री ने यमराज को हिला दिया, यमराज को कोई नहीं हिला सकता, उसको हिला दिया, तो हमारी महिला थी, ये हमारे परिवार की थी, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन ये एक तरफ तो हमारी संस्कृति इतनी महान है और दूसरी तरफ हमारी संस्कृति में माइनर बच्चियों के साथ रेप हो जाता है, महिलाओं के साथ चलना सुरक्षित नहीं है, बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। अब इस समय इस तरह की बातों पर बड़ी विस्तृत चर्चा का विषय है और ये होना चाहिए, इस पर स्कूलों में भी चलना चाहिए। शराब पर पाबंदी लगे, क्योंकि मैंने क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से निकलवा के देखा, आंकड़े निकलवाए, मैंने कहा जो रेप केसेस होते हैं उनकी मानसिकता क्या, मैं जानना चाह रहा था कि इसकी मानसिकता, केस लड़ना डिफेंस करना अलग चीज है, लेकिन भारत का नागरिक बुद्धिजीवी होना अलग चीज है। मैंने कहा इनका रिकॉर्ड निकलवाते हैं, उनमें क्या क्या फैक्ट आते हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि जितने रेप के एक्यूज पकड़े गए उनमें से कितने शराब, एल्कोहलिक नशा, इंटॉक्सिकेशन लेते थे, नशे, उनके आंकड़े दिए जाए, क्योंकि उसमें चार्जशीट और उसमें आ जाती है बात, मेडिकल होता है पता। दूसरी बात मैंने कहा इनके मोबाइल फोन, जो आधुनिकता है हमारी, मोबाइल, नेट, ये सब चीजें हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनमें से कितने यूज करते थे, तो हमें ये भी उसमें आंकड़े आए कि 80 से 85% ये यूज करने वाले थे, 80 से 85% शराब, लिक्वर, अल्कोहल लेने वाले थे। कहीं ना कहीं इसकी भी मानसिकता हमारे समाज में आ रही है, उसकी वजह से बुद्धि भ्रमित हो रही है, दिमाग अपसेट हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसे अपराध होते हैं। कई कारण हैं इन पर, इस तरह से बिल्कुल मानसिकता, कहीं ना कहीं मानसिकता को बदलने की जरूरत है। बहुत कारण है, जैसे कि आपने बताया कि शिक्षा, एजुकेशन भी बहुत कुछ मायने रखती है। मैं श्वेता सिटी आपके पास आऊंगी, जो कि पावर लिफ्टर है और मॉडल भी है। मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जो फैसला यहां पर आया है, जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, इतनी सख्ती दिखाई गई है, लेकिन बावजूद इसके, इस तरह के समाज में जो महिलाओं और लड़कियों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो लड़कियां हैं वो कैसे सावधानी बरतें आपकी नजर में? मेरे हिसाब से जो मानसिकता की आपने पहले बात करी, और ये चीजें कहां से एक पुरुष में या लड़के में या किसी में भी कैसे आती है, ये हर चीज़ आपके अपने घर से शुरू होती है। सबसे पहले आपकी एजुकेशन डिमांड करती है, जो है सेक्स एजुकेशन, जो हमारे घर में या हमारे कंट्री में किसी को भी सेक्स एजुकेशन के वर्ड के नाम से कमरों में चले जाना और मुंह इधर उधर कर लेना, अवेयरनेस नहीं है, अंधविश्वास में सब चलते हैं। जिस तरह से आप लड़कियों को समझाते हैं कि अपना चूल्हा चौका संभालो, और लड़कों को समझाते हो तुम लड़के हो तुम रो नहीं सकते हो, साथ साथ अपने घर के लड़कों को, भाइयों को और अपने रिश्तेदारों को ये समझाइए कि किसी पराई लड़की को जो काम से बाहर निकल रही है, स्कूल से जा रही है, नाबालिग है, बालिग है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, वो उसको बाहर जाके सेफ रहने का तरीका यही है कि आप अपने घर में अपने बच्चों को इसका शिक्षित कीजिए कि दूसरी महिलाओं को गलत निगाह से नहीं देखना। कोई भी चीज कहीं से शुरू होती है वो आपके अपने घर से शुरू होती है। जब तक आप अपने आप को और अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारी कंट्री में या ये सब चीजें कम नहीं हो सकती। और मुझे नहीं लगता कि कोई एक अगर व्यक्ति ये शुरू करे तो ये रुकेगा, ये बल्कि आगे बढ़ता ही जाएगा। मेरे बिल्कुल, यानी कि हमें अपने आप से शुरुआत करनी होगी और आगे चीजें अपने आप देखेंगी। एबी सिंह जी, आप कितने सहमत हैं इस चीज से? नहीं, बिल्कुल पूरी तरह, बहुत अच्छी, मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट। सरकारों को दुनिया के लिए एडवर्टाइजमेंट आप करते हैं, आप ऐप करते हैं, जैसे अभी मैं कल कांगड़ा में था, हिमाचल था, कुल्लू में था, तो वहां ऐप, गुड़िया ऐप करके चला सुरक्षा, ये सब करिए, बहुत अच्छी बात है, फोन, ये सब जो सुरक्षा का कवच ये सब है, लेकिन इसके साथ जो हमारे अंदर से जहां से शुरू होता है वो सम्मान महिलाओं के प्रति, वो लड़कियों के प्रति सम्मान, वो बच्चियों के प्रति सम्मान, वो आदर, वो भाव, वो सुरक्षा। बलात्कार करने वाले लड़के सड़क पर घूम रहे हैं, वो लड़के बलात्कारी ना होके महिलाओं के सुरक्षा कवच क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल, सुरक्षा कवच वो बन जाएं। उसके लिए हमारी शिक्षा, पहले तो लोग कहते थे इतने परसेंट अनपढ़ है, अब वो रेशियो खत्म होता जा रहा है। अब लगभग हर बच्चा हर गांव में, चाहे सुदूर गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, शिक्षा का माध्यम है, शिक्षा का सिलेबस चलता है, पढ़ता है, चौथी पांचवीं तक पढ़ते हैं, तो उसमें हमें सिलेबस, पांचवीं छठी से ऐसा सिलेबस दें, ऐसा एक
मतलब क्लास ली जाए, एक बच्चों को जब से उनकी एज हो जाती है साइंटिफिक मेथड से, मेथोलॉजी मेथड से, जब से वो जानना चाहते हैं क्या है, किस तरह से विकीर्ण होने से पहले उन्हें इतना संभाल दिया जाए, बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें आप जिस तरफ चाहे संभाल लें मोड़ लें, तो वही हमारा समाज निर्माण करेगा।